स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी टेक चैनल नेटवर्क सील्ड में और सीसीएनए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 12। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ लेक्चर नंबर 12 यहाँ पे स्टार्ट करते हुए, क्योंकि अब हम स्विचिंग में थोड़ा एडवांस लेवल पे यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे स्विच में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो आज का जो हमारे लेक्चर है ये बेस्ड है पोर्ट मोड्स पे एंड स्विचिंग फंक्शंस पे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच पोर्ट के बारे में। दोस्तों स्विच के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक, कि स्विच कैसे रैक में माउंट होता है, स्विच में कैसे हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं कोई भी, चाहे वो पीसी हो, चाहे स्विच हो, चाहे राउटर हो स्विच के साथ, तो ये पोर्ट होता है। यहाँ पे हम RJ45 केबल को कनेक्ट करेंगे एंड देन हम जो है उसपे स्विच के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पोर्ट के भी दो मोड होते हैं, दो मोड यानी एक्सेस मोड एंड ट्रंक मोड, ठीक है। अब एक्सेस मोड क्या है, ट्रंक मोड क्या है, ये हम जानते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई एंड डिवाइस अगर हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एंड डिवाइस का मतलब जैसे हमारा पीसी है, हमारा प्रिंटर है और ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस हैं मार्केट में नेटवर्किंग में, तो हम जब भी कनेक्ट करेंगे कोई भी एंड डिवाइस अपने स्विच के साथ, तो वो मोड हमारा कहलाता है एक्सेस मोड। दैट मींस कि हम स्विच को एक्सेस करना चाहते हैं, हमें स्विच से काम है, हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, करेक्ट। अगर और डिटेल में बताऊं तो एंड डिवाइस का मतलब पीसी, जैसे एंड यूजर, क्योंकि पीसी के बाद कोई और चीज हम डिवाइस हम कनेक्ट नहीं करते हैं, पीसी इज यूजर, हम यूजर हैं, हम डिवाइस स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वी कॉल एज एंड यूजर और एंड डिवाइस यूजर, करेक्ट। तो जब भी हम एंड डिवाइस को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो मोड हमारा कहलाता है एक्सेस मोड। लेकिन अगर हमारे नेटवर्क में 200 लगभग यूजर हैं तो हमारे पास मल्टीपल स्विच होंगे, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच, ठीक है। मान लो इस स्विच से हमारे HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं, इस स्विच से अकाउंट डिपार्टमेंट के, एंड इस स्विच से लेट सपोज सेल्स के, ठीक है। तो मान लो HR डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉयज को डेटा फॉरवर्ड करना है या फाइल ट्रांसफर करनी है, तो ऑब्वियसली कि हमारे इस स्विच की कनेक्टिविटी इस स्विच से होगी, इस स्विच से होगी, करेक्ट। तभी तो इनके बीच में डेटा जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा। तो HR डिपार्टमेंट जब भी सेल्स डिपार्टमेंट से बात करेगा तो ट्रैफिक कुछ इस तरीके से फ्लो होगा आपका, ठीक है, करेक्ट। तो ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने इस स्विच के इस एंड को दूसरे स्विच के दूसरे एंड से कनेक्ट किया हुआ है, करेक्ट, ये, ठीक है। तो इस मोड को, यानी जब हम दो डिवाइसेस, दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इस मोड को हम कहते हैं ट्रंक मोड। ट्रंक मोड में क्या होता है, आपका जो भी डेटा होगा आपके स्विच के पास जाएगा, स्विच इसको ब्रॉडकास्ट करेगा बाय डिफॉल्ट एंड देन डिसाइड करेगा कि ओके ब्रॉडकास्ट करने पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो सिमिलर वे में वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी करेगा सेम टाइम पे, ठीक है। बाकी पोर्ट तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का कोई भी यूज यहाँ पे नहीं है, तो सारा जो ट्रैफिक आपके इस पोर्ट से, यानी ट्रंक पोर्ट से जाएगा। ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, इस सारे ट्रैफिक को यहाँ लेके जाएगा, अपने इस स्विच पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये स्विच क्या करेगा, आपका अपने इस ट्रंक पोर्ट को, इस वाले पोर्ट को छोड़कर बाकी सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा, तो देखेगा अच्छा मेरे पास एक और ट्रंक पोर्ट यहाँ पर कनेक्टेड है, वो फिर ट्रैफिक आपका इधर जाएगा, इधर जाने के बाद अपने इस पोर्ट को छोड़कर बाकी जगह ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये रिक्वेस्ट आपके सेल्स एम्प्लॉय के पास पहुंच जाएगी और इसका मैक एड्रेस फिर इस स्विच के पास स्टोर होगा, इसके पास होगा, ये अपने मैक टेबल पर शेयर करेगा। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम टू और मोर देन टू स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे तो दैट विल कॉल एज ट्रंक पोर्ट, जिस पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में कि एक्सेस मोड क्या है, ट्रंक मोड क्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें राउटर को, अगर हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये मोड भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रंक मोड। लेकिन इस पे हम एक कमांड रन करेंगे encapsulation.1q, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्लियर है फंडा। एक्सेस मोड हम यूज करेंगे जब हमें एंड डिवाइस कनेक्ट करना हो स्विच पे, और ट्रंक मोड हम तब यूज करेंगे जब हमें दो सिमिलर डिवाइस, यानी दो सिमिलर स्विच या राउटर आपस में कनेक्ट करना हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में।
ओके तो दोस्तों हमने बात किया एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्विच में अगर हमारा कोई पोर्ट है तो वो कैसे डिसाइड करता है कि जो एंड डिवाइस, लाइक सपोज ये मेरा पोर्ट है, करेक्ट, मैंने यहाँ पे पीसी कनेक्ट किया, ठीक है, और दूसरे पोर्ट से मैंने यहाँ पे स्विच कनेक्ट किया, दूसरा स्विच कनेक्ट किया, तो ये डिसाइड कैसे करता है पोर्ट कि मुझे इस पोर्ट को एज ए ट्रंक कंसिडर करना है, मुझे मेरे दूसरे एंड पे ये मेरा पीसी एंड एंड डिवाइस कनेक्ट है, मुझे इस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट कंसीडर करना है, ये डिसीजन स्विच कैसे लेता है, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं इस स्लाइड में। तो डिसीजन की जहां पर हम बात करेंगे, हमारे पास तीन मेथड आते हैं स्विचिंग में डिसीजन को लेने के लिए। फर्स्ट वन है जो वो है हमारा डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कि अपनी इच्छा को व्यक्त करना, अपनी इच्छा को बताना कि लेट सपोज ये मेरा स्विच है और ये मैंने पीसी कनेक्ट किया, ठीक है, स्विच ने कहा यार मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि मैं एज ए ट्रंक आपको कंसीडर करना चाहता हूं, पीसी ने कहा कि यार मैं ऑटो में हूं, मतलब मुझे तो रिक्वेस्ट चाहिए, मैं ट्रंक, मतलब कैसे मैं इसके पास रिक्वेस्ट लेके आया वो स्विच आपके स्विच के पास, वो पीसी जब भी कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है तो वो ऑटो ही करता है, तो ये ट्रंक है ये ऑटो है, तो ये मिसमैच कर गया, ठीक है। तो ट्रंक और ऑटो जब मिसमैच कर जाएंगे तो डायनेमिक डिजायरेबल पे क्या होता है वो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल डिजायरेबल का मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा टिपिकल हो गया, इसको समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाया है, ठीक है, थोड़ा आसान सा। ये एक स्विच है, ठीक है, ये दूसरा स्विच है, इस स्विच ने डिजायर, इस स्विच से मैंने एक वायर कनेक्ट किया अपने दूसरे स्विच के साथ, इस स्विच ने कहा कि मैं अभी डिजायरेबल मोड का हूं, ठीक है, इसने भी बोला मैं भी डिजायरेबल मोड का हूं, तो इसने बोला कि आपकी इच्छा क्या है, इस स्विच ने कहा आई वॉन्ट टू बी ट्रंक, मैं ट्रंक होना चाहता हूँ, इसने भी बोला हाँ मैं, मेरी भी इच्छा है मैं ट्रंक होना चाहता हूँ, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई, तो इन दोनों ने अपने अपने पोर्ट को यहाँ पर इसको ट्रंक कंसीडर कर दिया और इसने भी अपने आप को ट्रंक कंसीडर कर दिया, ठीक है, आगे बात समझ में। ओके अब ऑटो की बात करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट लाइन में आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या था कि ऑटोमेटिकली, आप सभी जानते हैं ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली, यानी ये मेरा स्विच है ये ऑटो मोड पे कनेक्टेड है, यहां पे मैंने पीसी कनेक्ट किया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट ऑटो कंसीडर करता है अपने आप को, चाहता है कि मैं एक्सेस करूं किसी चीज को, ठीक है, तो ये ऑटो जब दोनों ऑटो ऑटो आपस में मिलते हैं तो ये डिसीजन लेते हैं कि मैं कंसीडर करूंगा अपने पोर्ट को एज ए एक्सेस पोर्ट, और अगर ये ऑटो मोड में है, ये स्विच ऑटो मोड में है, दूसरा स्विच मैं कनेक्ट करता हूं ऑटो मोड में, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा, ये बोलेगा मैं ऑटो मोड में हूं, ये भी बोलेगा मैं भी ऑटो मोड में हूं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को फिर से एक्सेस पोर्ट कंसीडर करेंगे, जब तक कि एक डिसीजन लेने वाला ना हो कि भैया मैं आपको ट्रंक कंसीडर करना चाहता हूं या मैं आपको एक्सेस पोर्ट कंसीडर करना चाहता हूं, तब तक काम नहीं करेगा ऑटो ऑटो। नो नेगोशिएट का मतलब है कि ये कोई डिसीजन नहीं लेगा, हमें मैनुअली जाके इसको बताना पड़ेगा कि आप जो है भैया आप ट्रंक बन जाओ क्योंकि मैं आपके इस पोर्ट पे स्विच कनेक्ट कर रहा हूं, दूसरे पोर्ट को मैं बोलूंगा कि आप भैया एक्सेस बन जाओ, यानी जिस पोर्ट को मैं जो कंसीडर करना चाहता हूं मुझे मैनुअली यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रोटोकॉल को नो नेगोशिएट कहते हैं हम लोग यहाँ पे, इनकी कमांड यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। आपके जो सारे डाउट है थोड़ा खिचड़ी बन रही होगी माइंड में ना, तो अभी मैं क्लियर करूंगा और बैक टू दिस स्लाइड में आऊंगा, ठीक है। और कंफिगर करने का क्या है, मैं स्विच में इफ का मतलब होता है इंटरफेस, मैं किसी इंटरफेस पे गया स्विच में, मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूट में गया, उसका मैंने इंटरफेस FA0/0 सेलेक्ट किया, तो ये आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। ओके 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 ओके, ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया, अब ये मैं एक इंटरफेस पे आ चुका हूँ स्विच के, वहां पे मैं बताऊंगा कि भैया मैं इस इंटरफेस को यानी FA0/0 को ऐसे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल बनाना चाहता हूं, तो डायनेमिक डिजायरेबल बनाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा तो कोई भी डिवाइस अब यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये अपनी इच्छा उस डिवाइस से शेयर करेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, करेक्ट। ऑटो में ये कमांड रहेगी आपकी, स्विच पोर्ट मोड ऑटो डायनेमिक ऑटो, इसका था कमांड स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक का मतलब होता है बदलाव, यानी डायनेमिकली खुद से डिसीजन लेने वाला, स्टैटिक का मतलब होता है आप खुद से मैनुअल डिफाइन करेंगे।
ओके नॉन इफिशियंट, इसमें हम डायनेमिक यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये हम खुद से मैनुअली डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए स्विच पोर्ट नो निगोशिएट सॉरी, ठीक है ओके। तो आगे की स्लाइड में चलता हूं मैं, पहले ये थोड़ा सफाई अभियान मैं यहाँ पे चला दूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा ठीक है ओके, क्योंकि मुझे फिर इसी स्लाइड में आना पड़ेगा, मेरे को पता है ठीक है ओके। तब तक आप अपने हालचाल सुनाओ, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में ओके, खुद को सुनाना, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये आ गया आप स्लाइड ठीक है, ये सारी चीजें अब यहाँ पे होंगी। अगर मैं ना मेरा ओके, मैं दो दो स्विच को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ये वन स्विच इस तरह पर, दूसरा स्विच इस तरह पर ठीक है। मेरा फर्स्ट स्विच जो है मैंने उसको डायनेमिक ऑटो कंसीडर किया, दूसरा स्विच भी दोनों ऑटो ऑटो निकला, यानी एक स्विच जो है मैंने ऑटो मोड में कंफिगर किया, दूसरा भी ऑटो वाला आ गया। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया, रिजल्ट क्या निकला, इन्होंने अपने आप को एक्सेस पोर्ट बना लिया। इस स्विच ने भी, मैं यहाँ पर बढ़िया सा डायग्राम भी बना लेता हूँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों के, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरी इतनी मेहनत बेकार है ठीक है। ये दो स्विच मैंने कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किया पोर्ट को, ये पोर्ट मैं नेम भी देता हूँ FA0/0 Fast Ethernet 0/0 ठीक है। इसको मैंने एज ए ऑटो मैंने कन्फिगर किया कि ये पोर्ट मेरा ऑटो रहेगा, ये ऑटो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा, डायनेमिक ऑटो, इसको भी मैंने ऑटो किया। तो जब ये दोनों आपस में ऑटो ऑटो भिड़ जाएंगे ना आपस में, तो ये अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं एज ए एक्सेस स्विच, ये रहा रिजल्ट एक्सेस स्विच ठीक है ओके। दूसरा स्विच मैंने इस पोर्ट को वापस, मैं डिलीट करता हूं इसको ओके, नो इसकी जरूरत नहीं थी, FA0/0 अब मैंने इसको डायनेमिक ऑटो कंसिडर किया और इसको मैंने डिजायरेबल कनेक्ट, डिजायरेबल डायनेमिक डिजायरेबल किया, डिजायरेबल ओके ठीक है। तो ये ऑटो हो गया, ये डिजायरेबल हो गया, अब क्या रिजल्ट निकलेगा, अब रिजल्ट ये निकलेगा कि ये डिजायर इच्छा व्यक्त करेगा अपनी कि भैया मुझे ट्रंक होना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अपने आपको ट्रंक कंसीडर करता है ठीक है। तो ये ट्रंक बोलेगा, ये इसने बोला भैया मैं, मेरी इच्छा है कि मैं ट्रंक बनूं, इसने कहा ऑटो, यार मैं तो ऑटो हूं, जैसा तुम बोलो वैसा मैं करूंगा। तो दोनों ने डिसीजन निकाला और क्या बन गया आपस में, ट्रंक ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, ट्रंक ओके। उसके बाद थर्ड वन, आपने मैनुअली, आपने अब आते हैं नो नेगोशिएट यानी मैनुअल वाले रिजल्ट में ठीक है, इसी को करते हैं ना, क्यों कामों का पेपर वेस्ट करना है ना ओके ये इसने बोला भैया मैं ऑटो हूं, इसने बोला मैं जो हूं मैनुअली, मेरे को ना मेरे एडमिन ने बोला है कि आप ट्रंक रहो, अब बताओ आप क्या करो। तो भैया ये डिसीजन लेगा, ये कहेगा मैं तो ऑटो हूं यार, मेरे को जैसा बोलो वैसा करूंगा, चलो ठीक है। तो ये अपने आप को डिसाइड कर लेगा एज ए ट्रंक, अगर इसको मैं बोल दिया ट्रंक नहीं भैया आप एक्सेस रहो, मैनुअली मैंने डिफाइन कर, ये बोलेगा भैया जैसा तुम बोलो वैसा मैं करूंगा, बोलेगा एक्सेस स्विच ठीक है। तो ये एक्सेस रहा रिजल्ट ओके। तो ऐसे ही ये सारे आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन मार्क वाले को मैं बता देता हूं ठीक है, ठीक है ओके। मैंने एक पोर्ट को बोला कि भैया स्विच के इस नए डायग्राम पे दिखाते हैं, कलर भी चेंज कर लूं क्या, चलो छोड़ो यार क्या करना ओके। इस स्विच को मैंने मैनुअली बोला कि भैया तू ट्रंक रहेगा ठीक है, और दूसरे स्विच को यानी इस वाले स्विच को भी मैंने बोला कि भैया आप जो है, सॉरी यहाँ पे अभी अच्छा क्वेश्चन मार्क वाले की बात चली ना, तो ये एक्सेस वाला आएगा आपका ठीक है। तो इसको मैंने बोला कि आप मैनुअली आप ट्रंक हो, इसको बोला मैंने एक्सेस हो, तो ये भैया आपस में भिड़ गए, नहीं जी मेरे को तो एक्सेस बनाया, ये बोला ट्रंक बनाया, तो दोनों का डिसीजन कुछ नहीं निकला, क्वेश्चन मार्क इसीलिए आया कि जो ट्रंक था वो ट्रंक ही है, जो एक्सेस है वो एक्सेस लिस्ट ही है ठीक है। तो यानी इनके बीच में समझौता नहीं हो पाया, तो भैया फिर वही होता है कि रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है ठीक है। तो ये थी सारी कहानी। तो अब आई होप कि आप लोगों के समझ में ये स्लाइड आ गई होगी कि डिजायरेबल क्या है, ऑटो क्या है, नो निगोशिएट क्या है। नो निगोशिएट में मैंने आपको बताया कि हम स्विच को या तो ट्रंक बनाते हैं या हम स्विच को एक्सेस बनाते हैं ठीक है ओके। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे को समझ में तो आए कि हाँ आप लोगों के समझ में आए ठीक है ओके। अब आप बात करते हैं स्विच फंक्शन की, स्विच फंक्शन यानी स्विच कितने तरीके से अपने आप को
मतलब डिफाइन करता है या एक स्विच के क्या क्या काम है, वो स्विच कैसे काम करता है, यानी उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो स्विच की अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो स्विच के पास तीन फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि स्पाइडरमैन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये स्पाइडरमैन है, ठीक है, सारे लोग मेरे ऐसे ही बनते हैं डायग्राम में, जल्दी है सस्ता, स्पाइडरमैन के बाल थे, चलो बनाई देते हैं, ठीक है, ओके, ये स्पाइडरमैन है। आपको पता है कि स्पाइडरमैन की फंक्शनैलिटी क्या है, कि वो हाथ से जो है ना वो थ्रो करता है एक जाल टाइप का, और उसके थ्रू फिर वो लटकते हुए ऐसे ऐसे जाता है बिल्डिंगों के बीच में, ठीक है, लेकिन जहां पे बिल्डिंगें खत्म हो जाती है वहां पे वो क्या करता है, वो दौड़ के जाता है, पैदल पैदल जाता है। लेटेस्ट मूवी देखना स्पाइडरमैन की, मस्त है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन को गोली मारो, तो जैसे स्पाइडरमैन की फंक्शनैलिटी है कि वो कैसे ट्रेवल करता है, कैसे जाता है, वैसे आयरन मैन की है जैसे, तो सिमिलर वे में स्विच की भी अपने कुछ फंक्शनैलिटी है कि उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है। तो नंबर वन कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नंबर वन पे आपका आता है एड्रेस लर्निंग, सेकेंड पे आता है फॉरवर्ड डिसीजन, एंड थर्ड आता है लूप अवॉइडेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस लर्निंग की, ठीक है, एड्रेस लर्निंग की अगर हम कोई एग्जांपल दें तो गांव में कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अगर कोई पोस्टमैन, छोटा सा पोस्टमैन यहाँ पे बना देता हूँ, पोस्टमैन इनके पास आए, हाँ भैया रामलाल का घर कौन सा है, तो ये बता देता है बेटा रामलाल का घर तीसरी गली से आगे लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट मुड़ना, फिर राइट मुड़ना, फिर स्ट्रेट जाना, तो ये रामलाल का घर है। तो ये जैसे ये बंदा है ये सेम काम स्विच आपका करता है, कैसे, क्योंकि अगर किसी स्विच से, फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है मेरा, इसके इस पोर्ट पे जो है मेरा एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस मेरा 1111 है, दूसरे पोर्ट पे मेरा एक दूसरा पीसी कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस 2222 है, कभी ये 11 वाला अगर 22 से बात करे और रिक्वेस्ट लेके स्विच के पास आए तो स्विच क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो रिक्वेस्ट आपकी पीसी तक जाती है जो एक्चुअल पीसी जिससे कम्युनिकेट करना होता है, और रिस्पॉन्स ये करता है कि हाँ जी मेरा मैक एड्रेस ये है, तो स्विच क्या करता है ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने मैक टेबल पे या कैम टेबल पे स्टोर कर लेता है, उसके पता रहता है कि अब नेक्स्ट टाइम से अगर ये बंदा फिर मेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके आएगा तो मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा उस पैकेट को, मैं डायरेक्टली जो है उस बंदे के पास भेजूंगा, ठीक है। तो ये होती है स्विच की कैपेबिलिटी की एड्रेस लर्निंग, स्विच क्या करता है एड्रेस को लर्न करता है। तो आप यहाँ पे मैंने थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट की है, आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं। तो इट्स सिंपली नो और लर्न विच मैक एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच पोर्ट, ठीक है, कि कौन सा मैक एड्रेस मेरे किस पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, एड्रेस लर्निंग की बात हो गई। फॉरवर्ड डिसीजन, फॉरवर्ड डिसीजन का मतलब होता है कि मेरे पास कोई पैकेट आया, यानी स्विच के पास कोई पैकेट आया तो स्विच उसको डिसीजन ले लेता है, कुछ डिसीजन लेता है कि मुझे इस पैकेट को कहां फॉरवर्ड करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्विच के पास कोई फ्रेम आता है, फ्रेम इन द सेंस कि फ्रेम में काफी सारी डिटेल होती है आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, एक फ्रेम, ठीक है, इनकैप्सुलेशन फ्रेम सब कुछ, तो फ्रेम में अगर कोई एरर है, मान लो कोई एरर है, चेकसम वैल्यू में कोई एरर है, तो स्विच क्या करता है उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, उसको ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप कर देगा। अगर फ्रेम में सब कुछ ठीक है तो वो चेक करेगा फ्रेम को, ठीक है, फ्रेम को चेक करेगा, फ्रेम के ना लास्ट फ्रेम को अगर फ्रेम के पैकेट को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहते हैं जिसको हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पीसी को इस पीसी से बात करनी है तो ये इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा तो इसके पास स्विच के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ जी ये डेस्टिनेशन किस मैक पे जा रहा है, तो डायरेक्टली डिसीजन लेगा कि ओके डायरेक्टली वो इसके पास फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है फॉरवर्ड डिसीजन की डिसीजन लेना क्विकली, अच्छा मेरे पास ये पैकेट है, हाँ कहाँ जाना चाहता, अच्छा इस एड्रेस पे जाना चाहता, ओके ये रहा एड्रेस, आप यहाँ से चले जाइए, तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड डिसीजन, ठीक है। अब लूप अवॉइडेंस, लूप अवॉइडेंस ये काफी ब्रॉड टॉपिक है अगर हम कहा जाए तो, लूप अवॉइडेंस, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम जानते हैं कि लूप अवॉइड कैसे करता है स्विच। फॉर एग्जाम्पल ये पीसी जो है मेरा ये एचआर डिपार्टमेंट पे है और ये पीसी मेरा सेल्स डिपार्टमेंट पे है, ठीक है, ओके। एचआर डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की इस स्विच के पास, बाय डिफॉल्ट ये स्विच जो है आपका ब्रॉडकास्ट यानी डिफॉल्ट मोड पे है, यानी एकदम फ्रेश स्विच है, ये भी एकदम फ्रेश स्विच है,
ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई एचआर डिपार्टमेंट से इस स्विच के पास। इस स्विच ने क्या करा, अपने इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट पे इसने क्या करा, ब्रॉडकास्ट करा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये पैकेट आपका गया इस स्विच के पास, ठीक है, और ये भी पैकेट आपका स्विच के पास, ये ब्रॉडकास्ट पैकेट लेके गया, लेकिन पहले ये वाला पैकेट पहुंच गया आपका। लेट सपोज ये पहले आपका पैकेट यहाँ पे पहुंचा। इस स्विच ने क्या करा, इस स्विच को भी पता नहीं कि भैया वो बंदा कहाँ है सेल्स वाला जिसको ये ढूंढ रहा है, इसने भी क्या करा, ब्रॉडकास्ट करा। इस पोर्ट को छोड़ के सारे पोर्ट पे इसने क्या करा, ब्रॉडकास्ट करा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यहां तक गई, ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है, यहां से रिस्पॉन्स बैक भी आया, लेकिन लेकिन जो इसने ब्रॉडकास्ट करा, ये ब्रॉडकास्ट यहां भी हो गया, इस पोर्ट पे भी हुआ, और यहां से भी ब्रॉडकास्ट हो जाए, तो ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, कोलाइड कर जाएंगे। और दूसरी बात, ये ब्रॉडकास्ट जब यहां से यहां पहुंचेगा, इस स्विच के पास पहुंचेगा, यहां फिर ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये घूम के यहां ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये एक लूप बैक बन जा रहा है आप लोगों का स्विच पे, तो इसे कहते हैं लूप बैक। तो इसको अवॉइड कैसे करता है स्विच, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं लूप अवॉइडेंस, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल दूं, अगर आप आपके पास रियल स्विच है, ठीक है, रियल स्विच है, आप एक काम कीजिएगा, अपने स्विच पे इस इंटरफेस, एक इंटरफेस पे एक केबल कनेक्ट करके उसी केबल को घुमा के दूसरे इंटरफेस पे कनेक्ट कीजिएगा, और ये स्विच पे कोई भी वीलैन वगैरह मत क्रिएट कीजिएगा, डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि आपके स्विच में डांसिंग जितने भी जो ब्लिंक करने वाली लाइटें होती हैं, अगर आपने स्विच को अगर देखा हो, मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे लाइटें जलती, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का आप लोगों को, ये ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर की ये लाइट होती है ग्रीन, अगर आपकी लाइट जल रही तो दैट मींस कि आपका पोर्ट अप है, ठीक है, पोर्ट अप है। अगर आपकी येलो या हम कहें ऑरेंज कलर की लाइट जल रही तो दैट मींस पोर्ट अभी डाउन है। तो जब आप एक केबल को इस इंटरफेस पर कनेक्ट करके सेम दूसरे इंटरफेस पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो ये सारी लाइटें आपकी ब्लिंग होती रहेंगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट पैकेट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मजा आएगा देखने में, डीजे नाइट्स की तरह होगा बिल्कुल एकदम, ठीक है, ओके। तो लूप अवॉइडेंस की हम बात कर रहे थे, तो लूप को कैसे अवॉइड किया जाता है, लूप को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है एसटीपी, यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी कैसे काम करता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया डीटीपी के बारे में, ये डीटीपी जो है ना ये सिस्को प्रोप्राइटी है, ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटी है, यानी इस प्रोटोकॉल को ओनली सिस्को के स्विच पे यूज किया जाता है, क्योंकि सिस्को जो है नेटवर्किंग में बादशाह है एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि राउटिंग स्विचिंग में तो खास तौर पे, अभी सिक्योरिटी में पहले से काफी गिरावट आई है स्विच सिस्को में, बट अभी भी राउटिंग स्विचिंग में ही इज जस्ट लाइक ए इंपीरियर, ठीक है। तो डीटीपी जो प्रोटोकॉल है ना वो सिस्को प्रोप्राइटी और सिस्को के स्विच पे आपको मिलेगा, लेकिन आजकल हो सकता है आपको जूनिपर या बाकी स्विचेस पे भी देखने को मिले, लेकिन कमांड विल बी डिफरेंट फॉर जूनिपर, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, तो कुछ छूटा ना, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर जो भी है फ्रेंड्स के साथ कहीं भी आप शेयर करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आप हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो नेटवर्क सीरीज को सर्च कीजिएगा, आपको हमारा पेज मिल जाएगा नेटवर्क सीरीज का, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे अगर मैं CCNA सिक्योरिटी की वीडियोज अपलोड करूँ तो आप लोगों को अपडेट मिल जाए, या CCNP R&S या एडवांस लेवल पर हम जाएं तो आपको वीडियोज मिल जाए, या हम SIEM सिक्योरिटी इवेंट एंड मैनेज सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजर कहते हैं, इसकी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो भी सब्सक्राइब करें। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है, और टेक्निकल वीडियोस यानी एजुकेशन जो चैनल आपको प्रोवाइड करता है अगर उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल ग्रो इन लाइफ, ठीक है। बाकी इंटरटेनमेंट के चैनल को तो काफी सब्सक्राइब करते हैं तो ये दैट विल प्रोवाइड यू ऑल इंटरटेनमेंट, बट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन your life then you need to subscribe these such type of channel, not only my channel, even there are lot of channels.
ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, दुआओं में याद कीजिएगा, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू क्लोज दिस लेक्चर।